नवरात्र के तीसरे दिन माँ के प्रत्यय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा गया है। माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा ले रखी है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, इसी के कारण माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, धूप और पुष्प अर्पित किया जाता है। माँ को दूध से बना हुआ मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के हर दिन नियम अनुसार दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी अति उत्तम माना गया है। माँ चंद्रघंटा को शांति और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। माँ की सवारी शेर है। माता के 10 हाथ हैं, जिसमें कमल और कमंडल अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। भक्तों के लिए माँ का ये रूप सौम्य और शांत है। माँ चंद्रघंटा सफेद कमल, लाल फूल और पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करने से प्रसन्न होती है। माँ चंद्रघंटा स्तंभ साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। ज्योतिष के अनुसार इनका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। माता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की शक्तियां समाहित होती है। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संघर्ष के लिए अवतार लिया था। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल और नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता है। मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। माता रानी को लाल चंदन, लाल चुनरी, लाल फल, लाल फूल अर्पित किया जाता है। छोटे लाल वस्त्र में लौंग, पान, सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ाएं और देवी के नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का भी जप किया जाता है। अगले दिन इस लाल पोटली को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। ये लाल पोटली किसी भी शुभ कार्य या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में साथ रखी जाए तो सफलता प्राप्त होती है। माँ की पूजा से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शत्रु परास्त होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना के उपरांत दूध का दान दिया जाता है। तो ऐसी है माँ चंद्रघंटा की महिमा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।